नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव एफटीआर यानी कि फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। इस एफटीआर के माध्यम से आप लोगों को पता है कि हम लोग आने वाले सीयूजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं और आपका ये एफटीआर का फेज़ वन आज समाप्त हो जाएगा और मंडे से हम लोग फेज़ टू की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अब जो आपके पॉलिटी का सेक्शन था सुबह 8 बजे वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज का जो शाम का 5 बजे वाला है, जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर रहे थे, ये आज का लास्ट वीडियो होगा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वाला, ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रात को 8 बजे, जो चूंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जीएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो अभी आपको रात के 8 बजे वाला छत्तीसगढ़ का जीएस वीडियो फेज़ टू में भी कंप्लीट रहेगा। और फेज़ टू में हमारा बाकी का शेड्यूल किस प्रकार से होगा इस पर हम लोग बात करेंगे कल शाम को 5 बजे यूट्यूब लाइव में। तो उस लाइव सेशन में आप लोग ज़रूर आइएगा और उसमें और भी बहुत सारे जो आगे की रणनीति होगी उस पर बात की जाएगी, ठीक है। तो आज का ये हमारा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वाला जो वीडियो है रिविज़न सेशन का, ये लास्ट होगा। इसके बाद इस महीने का जनवरी का तक का, जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग 15 जनवरी तक के करेंट अफेयर को पढ़ लीजिएगा, तो एक वीडियो में छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करेंट अफेयर वाले में सारी चीज़ों को अपडेट करवा दूंगा। तो छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करेंट अफेयर वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर के इस सीरीज़ में हमने पूरी कोशिश किया है कि आपके एक कम्प्लीट रिविज़न करवा लिया जाए और आपने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया था, आप लोगों का कमेंट नीचे बताता है। और अगर आपने मेरे साप्ताहिक करेंट अफेयर वाले वीडियो से नोट्स बना कर रखा हो या मैगजीन को पढ़ा हो तो आप लोग एक बार उसे रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, एक बार उलट कर यानी कि सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मंथली मैगजीन है और ईयरली मैगजीन है, तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 600 से कुछ ज़्यादा के क्वेश्चंस मैंने एक ईयरली बेसिस पे बनाए हैं, वो भी आप लोगों को कल से शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, मंथली वाला भी और ईयरली वाला भी, तो दोनों आप लोग परचेस कर सकते हो। और एफटीआर के मेगा टेस्ट से अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया तो कर लीजिए, लगभग 3000 के क्रॉस रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अभी हज़ारों बच्चों के बीच में अगर अपनी रणनीति को देखना चाहते हो, स्थिति को देखना चाहते हो, तो इस मुफ्त एफटीआर टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप घर बैठे सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हो। रिपब्लिक डे के मौके पर आप लोगों के लिए यहाँ पर 5% का डिस्काउंट भी रखा गया है, उसमें अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर लेना। और अगर ये 5% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको जो कोड यूज़ करना होगा वो होगा आपका FTR MBC 26। इस कोड के माध्यम से आप 5% मोबाइल कोर्स में डिस्काउंट ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जैसे मैंने बोला आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन में हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 19वां, 20वां, 21वां या फिर 22वां। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019 की रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ को भारत के राज्यों की स्थिति में 21वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। और अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि 2018 की रैंकिंग की बात करें तो उस समय छत्तीसगढ़ को 19वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि 2 स्थानों का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पर समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ष 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया था और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरे दुनिया के 193 देशों ने अडॉप्ट किया था, उसमें से भारत भी शामिल है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत में 2030 तक जो है 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। इन 17 लक्ष्यों में पॉवर्टी था, हेल्थ था, एजुकेशन था, इस तरह से टोटल 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे और भारत भी इसको अडॉप्ट करने वाला देश है। तो नीति आयोग भारत की तरफ से, नीति आयोग जो है हर साल राज्यों की स्थिति पर रैंकिंग रिलीज करता है और इसी के मद्देनज़र इस साल जो रैंकिंग रिलीज हुआ उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 21वां है, यानी कि इस नीति आयोग के रैंकिंग में छत्तीसगढ़ कई पैरामीटर्स में यहां पर फेल साबित हुआ है। इस रैंकिंग की अगर हम लोग इंडिया लेवल की थोड़ी सी बात कर लें, छत्तीसगढ़ को इस रैंकिंग में परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, यानी कि जो नीति आयोग इस रैंकिंग को रिलीज करता है इसके दो तीन
कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला कैटेगरी और सबसे जो उच्च गुणवत्ता वाला कैटेगरी होता है उसको हम लोग बेटर परफॉर्मिंग स्टेट कहते हैं, जिसमें आपका केरला, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना आता है। और इसके अलावा परफॉर्मर स्टेट है जिसमें आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसके बाद कर्नाटक, असम, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये सब जो स्टेट हैं परफॉर्मर स्टेट में है। और अगर इसके अलावा बॉटम स्टेट की बात करें, यानी कि इस रैंकिंग में सबसे नीचे जो स्टेट्स हैं वो है बिहार है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और आपका उत्तर प्रदेश है। इसमें अलग अलग और भी कैटेगरी है। अगर गरीबी के मामले हम लोग इस इंडेक्स की बात करते हैं तो पुवर्टी यानी कि गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ टॉप पर है। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, असम, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरह से इसमें आ जाते हैं स्टेट्स। तो थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान में रखिएगा। और अगर प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा तो वो सिर्फ ऊपर से ही पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सारे स्टेट्स में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का 2019 में जो स्थान है आपका 21वां है। ठीक, चलिए इसके बाद और टॉप के स्टेट्स की, जैसे मैंने बताया ना, टॉप के स्टेट्स का नाम भी याद रखिएगा। केरला आ जाता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो इन स्टेट्स के भी नाम याद रखिएगा टॉप स्टेट्स के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस प्रोजेक्ट के तहत वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ड्वेन ब्रावो छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को सैनिटरी पैड मशीन दान में देने का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन ए है मेन टेक लीड प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है वुमेन मेक सिंक सिंपल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है वुमेन डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट या फिर वुमेन सेफ्टी प्रोजेक्ट। बताइए, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा। लास्ट में जितना भी टोटल आप लोगों ने सही करोगे ना उसका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा मेन टेक लीड प्रोजेक्ट। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान और बहुत फेमस क्रिकेट है और चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलते हैं, ये IPL के एक पार्ट हैं। और ड्वेन ब्रावो जो है इस साल छत्तीसगढ़ में आए मेन टेक लीड प्रोजेक्ट के तहत में, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये मेन टेक लीड प्रोजेक्ट है क्या, इस प्रोजेक्ट के तहत में ड्वेन ब्रावो जो है छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों को 20 सैनिटरी पैड मशीनें जो हैं वो दान देना चाहते हैं और ये खासकर पाटन और बस्तर के महिला स्व समूहों को दिए जाने का प्रस्ताव जो है ड्वेन ब्रावो की तरफ से रखा गया है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत में और कौन से क्षेत्र में ये दान देना चाहते हैं, कितनी मशीनें दान देना चाहते हैं। तो पाटन, बस्तर का क्षेत्र और 20 सैनिटरी पैड का मशीनें दान में देना चाहते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC की बेलाडीला लौह अयस्क खदान की लीज कितने वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। आपके सामने ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 30 वर्ष। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC की बेलाडीला लौह अयस्क खदान के लीज को आने वाले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ये इफेक्टिव माना जाएगा 7 दिसंबर 2015 से लेकर 6 दिसंबर 2035 तक। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा, पांचवा, छठवां या फिर सातवां। हमने रोजगार सृजन के बारे में, मनरेगा के बारे में पढ़ा है कि जब जुलाई में रैंकिंग रिलीज हुआ था तब भी छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर था, अभी जब रैंकिंग रिलीज हुआ है तभी भी छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है और यह रिपोर्ट है आपका अप्रैल से लेकर 21 दिसंबर तक का। अब यहाँ पर बात है कि दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये होगा आपका छठवां। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। और पूरे देश भर में मनरेगा के तहत में रोजगार सृजन के मामले में सिर्फ दिव्यांगों की अगर ना बात करें तो वो रैंकिंग है आपका चौथा। यहाँ पर दिव्यांगों का पूछा गया था तो इसलिए याद रखिएगा ये रैंकिंग जो होगा छठवां होगा और यह रिपोर्ट अप्रैल से दिसंबर 2019 तक का है और इस बीच में जो है 22,966 दिव्यांगों को मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में रोजगार दिया गया है। टॉप स्टेट्स की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा दिव्यांगों को रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य आगे है छत्तीसगढ़ से, तो वो आ जाता है आपका पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल।
और वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के आगे जो पांच राज्य हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, और छत्तीसगढ़ की रैंकिंग खासकर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट का जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रायपुर के साथ किस एयरपोर्ट को निजीकरण करने की अनुशंसा की है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने की अनुशंसा की है। ऑप्शन है वाराणसी, इंदौर या फिर अमृतसर या फिर ऑल ऑफ दी एवर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हाल ही में जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक अनुशंसा भेजा है कि रायपुर के साथ टोटल 6 एयरपोर्ट को निजीकरण किया जाए। ये एयरपोर्ट कैसे हैं, 6 ठो, एक आपका रायपुर का है, दूसरा आपका वाराणसी का है, तीसरा आपका इंदौर का है, चौथा आपका अमृतसर का है, पांचवा भुवनेश्वर और छठवा त्रिची। ये 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करने हेतु अनुशंसा किया गया है भारत सरकार से, और इससे पहले भी कुछ एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। तो वो एयरपोर्ट कौन कौन से हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी, इन एयरपोर्ट को निजीकरण किया जा चुका है। अब 6 की अनुशंसा फिर से की गई है, जिसमें से आपका एक रायपुर एयरपोर्ट भी शामिल है, यानी कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान खरीदी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस एंड्रॉयड ऐप को जारी किया है। आपके सामने ऑप्शन है धनहा, ऑप्शन बी है धान कटोरा, ऑप्शन सी है धान संचार या फिर ऑप्शन डी मूर संचार। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए धनहा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को धान खरीदी हेतु ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और सुविधा प्रदान करने के लिए धनहा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। इसके अलावा आप लोगों को पता है एक नंबर सबो बर 112 के तहत में भी यहाँ पर धान खरीदी से जुड़ी अगर आपको किसी प्रकार से समस्या आ रहा है तो अब 112 के जरिए में आप अपनी समस्या धान खरीदी से जुड़ी भी यहां पर दर्ज करा सकते हैं। तो 112 में अब धान खरीदी की समस्याओं को भी जोड़ा गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा 112, और जो ऐप लॉन्च किया गया है धनहा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज या कल का ही न्यूज है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन कौन है, नेक्स्ट का कौन सा क्वेश्चन कौन सा है। तो ये है, हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन ये है बोड़ला थाना, ऑप्शन बी पाटन थाना, ऑप्शन सी हरदी बाजार थाना या ऑप्शन डी कटघोरा थाना। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा बोड़ला थाना। ये आपका कबीर धाम जिले में स्थित है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल जितने भी देश के थाने होते हैं उन थानों की कुछ स्थिति पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस साल जो देश भर में टोटल थानों को शामिल किया गया इस रिपोर्ट में 15,579 यानी कि 579, जिसके फर्स्ट फेस वन में जो है 79 थानों को सम्मानित किया गया है, जिसमें इस 79 थानों में छत्तीसगढ़ का एक थाना शामिल है, आपका बोड़ला थाना, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस कलाकार को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ द्वारा मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है रजनी रजक, ऑप्शन बी है अनुज पांडे या फिर जाकिर हुसैन या फिर सुरेंद्र दुबे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में आप लोगों को पता है कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और इनको 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और जाकिर हुसैन जो है मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो जाकिर हुसैन के बारे में भी 2-3 पॉइंट्स यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक, इसके बाद, और हाँ, कल एक प्रश्न के में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, पद्मश्री को जो आपका तीजन बाई को जो आपका पद्मश्री दिया गया था उस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, तो याद रखिएगा उनको पद्मश्री कब मिला था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा, मैंने तीजन बाई को पद्मश्री बताया था आपको आई थिंक 1993, लेकिन जो आंसर होगा वो होगा आपका 1987, ये राइट आंसर होगा।
एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बताया था ये आपका क्वेश्चन नहीं था, एक्सप्लेनेशन के वक्त था, तो इसको 1987 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया जाकिर हुसैन के बारे में, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार नत्थू दादा का निधन हो गया। नत्थू दादा छत्तीसगढ़ के किस जिले के निवासी हैं, दुर्ग, रायपुर, धमतरी या फिर राजनांदगांव? ये रहने वाले हैं आपके राजनांदगांव के, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। नत्थू दादा जो हैं राजनांदगांव के रामपुर के निवासी हैं, रामपुर नाम याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत में आता है, वहाँ के निवासी थे और इनकी उम्र जो है 69 यानी कि 69 वर्ष की उम्र में हो गई है। नत्थू दादा जो है अमिताभ बच्चन, राज कपूर या फिर आप कह लो यहाँ पर धर्मेंद्र जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में काम कर चुके हैं, 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, 26 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के किस निवासी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है भामेश्वरी निर्मलकर, कांति सिंह, राकेश साहू या फिर ऑप्शन डी ए और बी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि भामेश्वरी निर्मलकर और कांति सिंह को इस साल छत्तीसगढ़ से दो लोगों का जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और ये दोनों का नाम जैसे मैंने बताया भामेश्वरी निर्मलकर और कांति सिंह। भामेश्वरी रहने वाली हैं धमतरी की और कांति सिंह रहने वाली हैं सरगुजा की। अगर भामेश्वरी निर्मलकर की बात करें तो भामेश्वरी निर्मलकर जो हैं इनको तैरने नहीं आता था, फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने दो लोगों का जान बचाया था, और कांति सिंह जो हैं इन्होंने अपनी छोटी बहन को हाथी को चकमा देकर बचाया था, इसीलिए इन दोनों का जो नाम है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए इस साल चयनित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट का प्रश्न और लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य युवा उत्सव 2019 की शुरुआत कब से की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल का ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बताइए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य युवा उत्सव किनकी याद में मनाया जाता है, आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हम लोग प्रश्न में ये बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य युवा उत्सव 2019 की शुरुआत कब से की गई, 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, 1 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर 2019 से पूरे छत्तीसगढ़ में जो है आपका राज्य युवा उत्सव 2019-20 की शुरुआत हो गई। और यह कब तक चलेगा? ये आपका चलेगा 14 जनवरी 2020 तक युवा उत्सव चलेगा। थीम याद रखिएगा, थीम है आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस युवा उत्सव का थीम पूछा जा सकता है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम याद रखना है। विकासखंड स्तर पर आपका ये उत्सव चला 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जिला स्तर पर चला 15 नवंबर से 10 दिसंबर और राज्य स्तर पर चलेगा, राज्य स्तरीय याद रखिएगा, 12 से 14 जनवरी 2020, ठीक। तो छत्तीसगढ़ राज्य युवा उत्सव के बारे में याद रखना, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं किनकी याद में मनाया जाता है, तो आप लोगों को इसका जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ये था हमारा आज का डिस्कशन। और इसके अलावा एक बात समझिए, जिन लोगों को भी FTR के मेगा टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रहा है, मैंने एक पोल भी क्रिएट किया था, उसमें 21-22% ऐसे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर से एक बार मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा समझिएगा कि जो लोग पहले से हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर है ना, यानी कि पहले किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया या किसी भी हमारे माध्यम से किसी भी तरह से आप वहाँ पर पहले से रजिस्टर हैं, तो आप पहले ऊपर में जाकर लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, पासवर्ड भूल गए तो फॉरवर्ड कर लीजिए, या आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा तो ऊपर आईटी का हेल्प नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं बिना लॉगिन किए ही, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा वहाँ पर समझिएगा और एक बार रजिस्टर कर लीजिएगा इस मेगा टेस्ट से। और छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का जो रिविज़न सेशन हमारा चल रहा था आज समाप्त हो गया। मंडे से हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के सीरीज़ लेकर आएंगे ठीक इसी वक्त 5 बजे, और बाकी का शेड्यूल और बाकी के सब्जेक्ट्स FTR में आप लोगों को किस तरह से फेस टू में मिलेगा ये हम 5 बजे कल लाइव सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, और भी बहुत सारी रणनीति पर आगे बात की जाएगी। और इस तरह से अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके अलावा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा,
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।